नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत आज एक व्यक्ति को 3 किलो अफीम सहित गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी देहाती अजय पाल सिंह ने बताया कि सदर थाना एएसआई प्रदीप सिंह और चौकी इंचार्ज बहादुरगढ़ एएसआई सौरभ सबरवाल की तरफ से कल शाम को नाके के मौके पर एक व्यक्ति की तलाशी के दौरान 3 किलो अफीम बरामद की। व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्री विक्रमजीत दुग्गल आईपीएस सीनियर कप्तान पुलिस पटियाला दी रहम रहाई हेठ नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाई गई मुहिम च कल शाम को उस वेले बड़ी वड्डी सफलता मिली जदों साढ़े थाना सदर के एसएचओ के इंचार्ज चौंकी बहादुरगढ़ ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से आया सी उसनू रोकिया तो उसका जो पता किया दीदार सिंह का नाम का व्यक्ति से जो चमारहेड़ी पिंड का रहने वाला है उसकी जो तलाशी ली गई तो पेट के द्वारे एक पटा जहा बनया जिसन खोल के देखा तो वो फीम बरामद हुई जो फीम न उत्थे तोड़ के आई तो वो 3 किलो जी फीम बरामद हुई सी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह दीदार सिंह पिछों झारखंड तो फीम लैके पटियाले आता है तो पटियाले के इसके आले दुआले लोगों को यह फीम सप्लाई करता है। इसने पहला भी इसके खिलाफ 2 किलो अफीम का थाना त्रिपड़ी विखे मुकदमा दर्ज होया। पटियाला शहर सीएम साहब का शहर होने करके इतने जिन्हें भी नशे के सौदागर ने उन्होंने काबू करने लिए साढ़े सीनियर अफसर वालों साढ़े डीजीपी साहब वालों जो मुहिम चलाई गई है उसके तहत असी पूरी तरह असी काबू जिन्हें भी तस्कर ने उन्होंने काबू करने में सफलता मिल रही है। इस तो पहला भी सानू जिन्हें भी शराब दे सीगे साढ़े एरिए जिन्हें भी तस्कर सीगे जिहड़े घरां च शराब कढ़दे सी उन्हां ते भी काफ़ी ठल पई। पटियाला से प्रीत रंधावा की रिपोर्ट, लाइव भारत।